हेलो यूट्यूब फैमिली, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कुछ अपकमिंग कोरियन और चाइनीज ड्रामा की जो हिंदी डब्ड में आने वाली है। तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना और हो सके तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ यार सपोर्ट किया करो। मैं इतनी अच्छी आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, इतनी सी तो रिक्वेस्ट है, कर दिया करो यार। और अगर आपको मेरी वीडियो की कोई ड्रामा चाहिए रहती है या कोई ड्रामा से रिलेटेड अपडेट जाननी रहती है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यही कि मेरा दिल किसी ने चुरा लिया है। अब से वो लड़का जो भी करेगा उसकी खबर तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। बोरा, तुम पर भरोसा कर रही हूँ। अपडेट की शुरुआत करते हैं 20th सेंचुरी गर्ल मूवी से। ये मूवी रोमांटिक, फ्रेंडशिप और इमोशनल जॉनर पर बेस्ड होने वाला है, जिसके प्लॉट को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मूवी एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशनल रोमांटिक मूवी होने वाली है। क्योंकि इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है बोरा की, जिसकी बेस्ट फ्रेंड युंडुक को अपने क्लासमेट यूजिन पर क्रश होता है और इसीलिए वो जब अपने हार्ट सर्जरी के लिए यूएसए जाने वाली होती है तो वो बोरा से कहती है कि वो समहाउ यूजिन के पसंद और नापसंद और टाइप्स के बारे में पता करे। और इसलिए बोरा युंडू से किए प्रॉमिस को निभाने के लिए वो यूजिन के बेस्ट फ्रेंड युनहो से फ्रेंडशिप करके धीरे धीरे यूजिन के बारे में जानना शुरू करती है। पर उसी दौरान उसे यूजिन का एक ऐसा सच पता चलता है जो बोरा को शॉक्ड कर देता है। तो अब वो सच क्या है ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस स्वीट रोमांटिक मूवी को देखोगे। ये मूवी 2 घंटे की होने वाली है और ये मूवी 21 अक्टूबर से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। हमारी अगली अपडेट है स्काई कास्टल ड्रामा के बारे में। एक टॉप क्लास लेवल की रिवेंज साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा है जो लिटरली इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग है कि इस ड्रामा ने कोरियन टेलीविजन के हिस्ट्री में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8.6 की इनक्रेडिबल IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा का प्लॉट रिवॉल्व करता है स्काई कास्टल में रहने वाले 5 फैमिलीज के अराउंड। स्काई कास्टल एक बहुत ही लग्जीरियस पैलेस है जिसमें कोरिया के कुछ सबसे बड़े और रईस फैमिलीज रहते हैं और ये सभी फैमिलीज बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हैं, जो कास्टल में सबसे ज्यादा पावरफुल बनने के लिए और टॉप पर रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इन फैमिलीज के बीच का ये कॉम्पिटिशन उनके बच्चों में भी चल रहा है। तो पावर स्टेटस और एम्बिशंस का ये हंगर गेम इन फैमिलीज के बीच कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और ये पावर गेम किस हद तक जाएगा ये देखने में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ये कैसी मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है जिसने रेटिंग के मामले में पेंटहाउस ड्रामा को भी पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि ये ड्रामा पेंटहाउस से भी ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा में 75 मिनट के टोटल 20 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा आपको 22 अक्टूबर से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है आइटम ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 6.4 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक आउटस्टैंडिंग सुपर पावर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जो बिना किसी डाउट के वन ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड मास्टरपीस ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक क्रिमिनल प्रोफाइलर सोयोंग और एक जीनियस डिटेक्टिव केनगोंग की, जिन्हें कुछ ऐसे अनआइडेंटिफाइड आइटम्स मिलते हैं जिसमें माइंड ब्लोइंग सुपर पावर होता है और जिसकी वजह से ये आइटम्स नेशन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है और इसी वजह से ये दोनों मिलकर इन आइटम्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं ये जानने के लिए कि ये आइटम्स कहां से ओरिजिन हुआ है, इन्हें बनाया है और उस इंसान का इंटेंशन क्या है। ये एक अमेजिंग मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसमें आपको इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग प्लॉट मिलेगा, सुपर पावर वाला ऑसम बैटल मिलेगा और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस से भरा क्लाइमेक्स मिलेगा। इस ड्रामा में आपको 70 मिनट के टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा आपको कुछ मंथ में ही हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। हमारी अगली डेट है रूकी कॉप्स ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये वन टाइम वॉच ड्रामा है जिसमें बहुत ज्यादा कॉमेडी है, कंपेलिंग स्टोरी है और सीजलिंग लव स्टोरी है। इस ड्रामा में स्टोरी फॉलो करती है कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जो कोरियन नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी में अपने पुलिस बनने के सपने के साथ पूरे डेडिकेशन से ट्रेन और ग्रूम हो रहे हैं और इन सभी स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट हैं यून कैंग और सियोंग हैंग, जो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से पुलिस बनना चाहते हैं। सियोंग हैंग अपने पापा की तरह एक काबिल ऑफिसर बनना चाहता है और इसलिए उसका गोल क्लियर है। पर वहीं यून कैंग एक ऐसी लड़की है जो किसी भी प्रोफेशन को देखकर उससे इंस्पायर हो जाती है और इसलिए वो अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज थी। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक पुलिस स्टूडेंट काउंसिल का हैंडसम प्रेसिडेंट जैंग जू चैन से, जिससे यून कैंग को फर्स्ट साइड लव हो जाता है और उस मूवमेंट के बाद से ही यून कैंग जैंग जू चैन से इंस्पायर होकर और अपने प्यार के लिए ये फैसला कर लेती है कि वो पुलिस ऑफिसर बनेगी। पर यून कैंग एक ट्रबल मेकर स्टूडेंट बन जाती है जिसकी वजह से और पास्ट में हुए एक मिसरेबल इंसिडेंट की वजह से सियोंग हैंग और यून कैंग में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो अब इन दो क्टर के बीच रोमांस कैसे बन होता है और इन सभी स्टूडेंट के पुलिस बनने के जर्नी में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को और ये ड्रामा आपको इसी मंथ हिंदी डब्ड में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलेगा।
हमारी अगली डेट है डब्ल्यू टू वर्ल्ड ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक फैंटास्टिक फैंटेसी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसमें आपको हॉट स्ट्रीमी रोमांस मिलेगा, ट्विस्ट और मिस्ट्री से भरा प्लॉट मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक सर्जन युंजू की, जिसके पापा एक वेबटून आर्टिस्ट हैं और वो एक दिन अपने स्टूडियो से गायब हो जाते हैं। और जब युंजू उनको ढूंढते उनके स्टूडियो पहुंचती है तो वो उनके पॉपुलर वेबटून सीरीज डब्ल्यू के लास्ट पेज को डिस्कवर करती है, जिसमें वेबटून के मेन कैरेक्टर कैंग चियोल का मर्डर होने वाला रहता है। पर तभी युंजू स्ट्रेंजली वेबटून के में टेलीपोर्ट हो जाती है और वहां जाकर वो समहाउ कैंग चुल को बचा लेती है, जिसके बाद युंजू को ये पता चलता है कि उसके पापा के वेबटून ने खुद का एक अलग डायमेंशन डेवलप कर लिया है और उसके सभी कैरेक्टर ने खुद के सेल्फ एक्शन और डेस्टिनी को डिस्कवर कर लिया है, और इसलिए वेबटून के विलन ने कैंग चुल के पूरे परिवार का मर्डर करके उसको ही उस क्राइम के लिए फ्रेम कर दिया है। और इसलिए कैंग चुल फैसला करता है कि वो अपने फैमिली के रियल मर्डरर को ढूंढेगा और अपने फैमिली के मौत का बदला लेगा, और ऐसा करने में युंजू उसका साथ देगी। तो अब क्या कैंग चुल रियल मर्डरर को ढूंढ पाता या नहीं, और उसी दौरान इन दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में आने वाली है। हमारी अगली अपडेट है प्लेफुल किस ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.1 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक अमेजिंग हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें क्यूट लव स्टोरी है, लव ट्रायंगल है और इंटरेस्टिंग प्लॉट है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हानि की, जिसे अपने क्लास के सबसे पॉपुलर और हैंडसम लड़के संजू से फर्स्ट साइड लव हो जाता है। पर प्रॉब्लम यह है कि क्लास में इन दोनों का स्टेटस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जहां संजू एक परफेक्ट स्टूडेंट है, वही हानि क्लास की सबसे डंप लड़की है, और इसी वजह से हानि को संजू से अपने फीलिंग को कन्फेस करने में डिफिकल्टी हो रही है। पर वो कहते हैं ना, अगर आपका सच्चा हो तो आपको एक दिन जरूर मिलेगा, और ऐसा ही होता है हानि के साथ जब अर्थक्वेक की वजह से उसका घर टूट जाता है, जिसके बाद मजबूरी में उसे अपने पापा के बेस्ट फ्रेंड के घर में शिफ्ट होना पड़ता है। पर लकली हानि के पापा के बेस्ट फ्रेंड का बेटा संजू होता है, जिससे हानि डेस्परेट प्यार करती है, और इसीलिए एक साथ एक ही घर में रहने की वजह से अब हानि के पास संजू के दिल में अपने लिए फीलिंग डेवलप करने का अच्छा मौका है। तो क्या हानि संजू के दिल में खुद के लिए प्यार डेवलप करने में कामयाब हो पाती या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल कॉमेडी ड्रामा को, जिसमें आपको 60 मिनट के टोटल 16 एपिसोड देखने मिलेंगे, और ये ड्रामा आपको 5 अक्टूबर से MX प्लेयर पर हिंदी डब्बे में देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है द गार्डियंस ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक इनक्रेडिबल एक्शन मासी थ्रिलर ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है 5 लोगों के एक ग्रुप की। इस ग्रुप के सभी लोग कोरिया के करप्टेड जस्टिस सिस्टम के विक्टिम हैं, और इन सभी ने कुछ क्रिमिनल्स की वजह से अपने फैमिली फ्रेंड्स और लविंग वन को खोया है। पर परेशान करने वाली बात यह है कि ये सभी क्रिमिनल्स अभी भी पैसे और पावर की वजह से सोसाइटी में आजादी से घूम रहे हैं, और इसीलिए अपने साथ हुए नाइंसाफी का बदला लेने के लिए ये 5 लोगों का ग्रुप ये फैसला करता है कि ये सब खुद ही ऐसे क्रिमिनल्स को देंगे, फिर चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। तो अब डिटेक्टिव, प्रोसिक्यूटर्स, हैकर और एक हाउसवाइफ की ये टीम कैसे कानून के आंखों में धूल झोंककर इन क्रिमिनल्स से अपना बदला लेते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा को, जिसमें आपको 70 मिनट के टोटल 16 एपिसोड देखने मिलेंगे, और ये ड्रामा आपको 1 या 2 महीने में प्लेफ्लिक्स या टाटा प्ले के विदेशी कहानी चैनल पर हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट लव इन शंघाई चाइनीज ड्रामा के बारे में। ये एक एवरेज सी स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांटिक ड्रामा है जिसे 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा के प्लॉट के बारे में कुछ भी बताने के लायक नहीं है, क्योंकि इस ड्रामा में वही सब कुछ दिखाया गया है जो एक कपल अपने शादी के बाद फेस करता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो क्लासमेट डोंगयांग और वेनजिए की, जो अपने अपने सपने को एक साथ चेस कर रहे हैं, और अपने सपनों को पूरा करने की जर्नी में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करके अपने अर्ली एज में शादी कर लेते हैं, जिसके बाद शुरू होती है इन दोनों की लाइफ का एक्चुअल हार्ट फेस, जहां उन्हें अपने मैरिड लाइफ को भी चलाना है और अपने करियर पर भी फोकस करना है। तो अब क्या ये दोनों अपनी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाते या नहीं, यही इस ड्रामा में दिखाया गया है। इस ड्रामा में आपको 45 मिनट के टोटल 38 एपिसोड देखने मिलेंगे, और ये ड्रामा आपको 2 महीने के अंदर टाटा प्ले के विदेशी कहानी चैनल पर हिंदी डब्ड में देखने मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है द वुल्फ ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग मिली है। एक स्टनिंग सुपर पावर फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक लड़की की, जिसे वुल्फ्स ने रेस्ड किया है, और इसलिए उसके पास उनके ही जैसी पावर है, और वो अपने लाइफ को हैप्पीली जी रहा होता है। पर उसके लाइफ में एक डिजास्टरस ट्विस्ट तब आता है जब उसकी मुलाकात गवर्नर जनरल की बेटी जीए सैंग से होती है। इसके बाद से वो जीए सैंग के लिए फील करने लगता है। पर एक अनाथ लड़की की दोस्ती गवर्नर की बेटी से होना एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग मैटर होता है, और ऐसा ही होता है जब गवर्नर को पता चलता है तो वो इस लड़के को मरवा देता है। पर समहाउ वुल्फ की सुपर नेचुरल पावर की वजह से वो लड़का सर्वाइव कर जाता है, जिसके बाद वो बैडली इंजर्ड लड़का यंग के रूलर द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद उस लड़के को राज्य के प्रिंस के नाम से रेज्ड किया जाता है। और अब इसके बाद जो इस ड्रामा में होने वाला है वो आप लोगों को खुद इस ड्रामा में देखना होगा, क्योंकि इसके आगे का प्लॉट बताना इस ड्रामा का स्पॉइलर होगा। पर मैं आपको इतना बता दूं कि इस ड्रामा के प्लॉट में इंटेंस लव ट्रायंगल है, पॉलिटिक्स है और माइंड ब्लोइंग बैटल्स है, जो इस ड्रामा को एक आउटस्टैंडिंग हिस्टोरिकल रोमांटिक ड्रामा बनाती है। और ये ड्रामा आपको 2 से 3 महीने के अंदर ही हिंदी में MX प्लेयर पर देखने को मिलेगा।
हमारी अगली डेट है एक अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के बारे में जिसका नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ माय सेक्रेटरी। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। अगर आप एक ऐसी ड्रामा देखना चाहते हो जिसमें कॉमेडी इतना ज्यादा हो कि आप बहुत ही ज्यादा हंसो और रोमांस ऐसा हो कि सीधा आपके इमोशन में घुल जाए और स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग हो कि आप स्टार्टिंग से एंड तक एंगेज रहो, तो ये ड्रामा आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत बड़े मीडिया कंपनी के डायरेक्टर मिनिक की, जो बहुत ही इंटेलिजेंट और कूल है और वो अपने सभी छोटे मोटे कामों के लिए अपनी शॉर्ट टेम्पर्ड और डेडिकेटेड सेक्रेटरी गैली को परेशान करता है। पर जब एक मिस्टेक की वजह से मिनिक गैली को जॉब से फायर कर देता है, तो उसी दिन मिनिक के ऊपर एक जानलेवा हमला होता है जिसमें वो अपनी फेस रिकॉग्निशन एबिलिटी को खो देता है। और जब गैली उसके पास वापस आती है तो गलती से उसे अपनी सेलिब्रिटी क्रश वेरोनिका समझ लेता है और उससे प्यार करने लगता है। और गैली भी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इस नाटक को चलने देती है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होता है और मिनिक और गैली का झूठ पर टिका ये प्यार कहां पर जाकर खत्म होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे। ये ड्रामा आप लोगों को 15 अक्टूबर से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखने को मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना और प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट सुपर पावर कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा देखना है, तो मेरी एंड स्क्रीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।